इसराइल के खिलाफ जहां चीन का एक बड़ा एक्शन सामने आया है, तो वहीं दूसरी तरफ बांग्लादेश में अब इसराइल के खिलाफ लोग क्यों उतर रहे हैं, जानेंगे क्या है मामला और इन सब के बीच में अमेरिका ने अचानक से हिंदुओं को कैसे याद किया है और बांग्लादेश में पहली बार हिंदुओं पे हो रही चीजों को लेकर बोला है। तो वहीं दूसरी तरफ चाइना इसराइल के खिलाफ ऐसी कौन सी चीज दे गया जिसका इस्तेमाल ईरान ने खामनेई के भाषण के दौरान किया था। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह CIS न्यूज नेटवर्क के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। ईरान के अंदर एक दुख दुखी मची हुई है कि कब न जाने इजराइल से हमला हो जाए। इजराइल पर 200 मिसाइलों की बारिश के बाद अब ईरान को डर सता रहा है कि यहूदी देश पलटवार कर सकता है। आपको याद होगा खामनेई जब भाषण देने के लिए आए, बहुत साल बाद खामनेई ने सार्वजनिक भाषण दिया, तो उन भाषण के दौरान उनकी सुरक्षा को बहुत ही ज्यादा मजबूत रखा गया था, क्योंकि जैसे ही हसन नसरल्ला मारा गया था, डर से इनको गायब कर दिया गया था, किसी सुरक्षित स्थान में रख दिया गया था ताकि किसी तरीके से इनके ऊपर कोई हमला न हो जाए, कोई ऐसी चीज न हो जाए जो ईरान के लिए बहुत घातक हो। पर बाद में ये निकले एक सार्वजनिक सभा के लिए हिजबुल्ला के हसन नसरल्ला की मौत पर शोक संदेश देने के लिए, और उस समय ईरानी सेना के लिए सबसे बड़ी मुश्किल खड़ी हुई कि सुरक्षा कैसे करें। इससे पहले ही ईरान ने चाइना से मदद मांगी थी और चाइना की मदद अब देखने को मिल रही है। ये जो तस्वीरें देख रहे हैं ना, इन तस्वीरों में आपको एक लेजर डायरेक्ट एनर्जी वीपन दिख रहा है, और ये लेजर डायरेक्ट एनर्जी वीपन क्या है, ये साइलेंट हंटर की तरह है। ये है चीनी एंटी ड्रोन सिस्टम जो दुश्मन के ड्रोन को चक्कर में डाल सकता है, कुछ हद तक वो मारकर गिरा भी सकता है, लेकिन ज्यादातर समय ये ड्रोन सिस्टम काम कैसे करता है, तो ये इनके सेंसर्स को खराब कर देता है, इनकी क्षमताओं को बाधित कर देता है, जिसकी वजह से ड्रोन के टारगेट वगैरह पूरा सिस्टम ही बैठना शुरू हो जाता है। इससे क्या होता है, सॉफ्ट किल हो जाता है। इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं सॉफ्ट किल, और सॉफ्ट किल के तहत ड्रोन काम करना बंद कर देता है। तो हार्ड किल कुछ क्षेत्रों में, लेकिन ज्यादातर इस ड्रोन हंटर का काम है सॉफ्ट किल करने का। तो यहाँ पर आप देखेंगे ईरान की सेना ने इसे तैनात किया, जिसके बाद निकलकर सामने आया है कि चाइना ने एंटी ड्रोन सिस्टम यहाँ भेजना शुरू कर दिया है। हालांकि ये वही ईरान है जिसने रूस से लेकर कई देशों को बहुत बड़े पैमाने पर किलर ड्रोन की आपूर्ति की है। अब ड्रोन का खतरा इन्हें डरा रहा है, क्योंकि ईरान को लग रहा है कि इजराइल कहीं विस्फोटक ड्रोन का इस्तेमाल न कर ले, और यही वजह है कि आयतुल्ला खामनेई की शुक्रवार को नमाज अदा करने और तकरीर करने पर जब पहुंचे हुए थे तो चारों तरफ इसे लगाया गया था। खामनेई ने इस सभा में यही कहा था कि 7 अक्टूबर को जो कुछ भी हुआ वो बहुत अच्छा हुआ, और आगे भी इस तरह की चीजें होती रहेंगी। पर इन सब में सबसे बड़ी बात रही और चर्चा का विषय रहा ये ड्रोन सिस्टम जो 5 किलोमीटर दूर तक निशाना साध सकता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, इस ड्रोन सिस्टम को एक ट्रक पर लगाया गया है और इसमें एक रडार लगा होता है जो ड्रोन की पहचान करके उसे ट्रैक करता है। चीन का दावा है कि ये ड्रोन सिस्टम 5 किलोमीटर दूर से ही ड्रोन को पहचान लेता है। चीन के मुताबिक लेजर सिस्टम में 10 से 20 किलोवाट पावर रेंज होती है। यह ड्रोन को अंधा करने की ताकत रखता है, साथ ही 3 किलोमीटर तक यह ड्रोन को चक्कर में डाल सकता है। इसके अलावा यह सिस्टम 1.5 किलोमीटर की रेंज में कुछ लक्ष्यों को तबाह कर सकता है। चीन का कहना है कि यह लेजर एक बार में 3 मिनट तक काम करता है, इसके बाद इसे चार्ज होने में 5 मिनट लगता है, फिर यह दोबारा हमला कर सकता है। विश्लेषकों का मानना है कि ड्रोन को चक्कर में डाल देना एक महत्वपूर्ण काम है। इस तरह के एंटी ड्रोन सिस्टम चीन ने सऊदी अरब समेत कई देशों को बेचे हैं। इजराइल ने साफ कर दिया है कि वो अमेरिका के सलाह के बाद भी ईरान पर जोरदार हमला करेगा, तो आने वाले दिनों में देखना होगा क्या चीजें होती हैं यहाँ पर। पर इन सब के बीच में भारत के पड़ोस बांग्लादेश में कुछ अलग ही सीन चल रहा है। स्क्रीन पर एक तस्वीर देख रहे हैं, इस तस्वीर में दरअसल प्रोटेस्ट हो रहा है और ये प्रोटेस्ट इजराइल के खिलाफ हो रहा है। सबसे पहली बात आपको बता दूं कि इजराइल उन देशों में
था जो सबसे पहले सामने आया। इसराइल के लोगों ने अपने यहाँ के सड़कों पर भी इस चीज को लिखा कि हिंदुओं को बचाओ, बांग्लादेश में ये सब कुछ हो रहा है। यहाँ जो राजदूत थे उन्होंने भी स्टेटमेंट जारी किया था और स्टेटमेंट जारी करके कहा था कि बांग्लादेश में हिंदुओं को लेकर जो कुछ भी हो रहा है ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए और हिंदुओं को बचाना चाहिए। तो इसराइल भारत के सपोर्ट में हमेशा से रहा है, पर अचानक से बांग्लादेश में इसराइल का विरोध क्यों शुरू हुआ है उसके बारे में भी बात करेंगे। पर उससे पहले बांग्लादेश की थोड़ी स्थिति समझिए। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख रहे हैं, बीएसएस न्यूज का ये आर्टिकल है। ये 2023 का 27 अक्टूबर का आर्टिकल है जिसमें उस समय जो प्रेसिडेंट थे उन्होंने बुद्ध धर्म के लोग जो मनाते हैं काथिन चिबारदान उसको लेकर इन्होंने शुभकामनाएं थी। ये 2023 का समय था, बांग्लादेश में ये स्थिति थी। और आज की डेट में स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए जिसमें लिखा जा रहा है कि बांग्लादेश में बुद्धिस्ट इस बार काथिन चिबारदान को सेलिब्रेट नहीं करेंगे। यहाँ पर ये लोग नहीं मना रहे हैं अपने त्योहार को। बौद्ध धर्म को मानने वाले चितगांव हिल ट्रैक्ट एरिया में ज्यादातर रहने वाले इन लोगों ने इसलिए कहा है क्योंकि ये सिक्योरिटी महसूस नहीं कर रहे हैं, इन्हें लग रहा है कि इनके ऊपर हमला हो सकता है। अब जरा सोचिए पूरा का पूरा ये जो सिस्टम है ये किस तरीके से यहाँ ध्वस्त होता हुआ नजर आ रहा है कि एक समुदाय को ये कहना पड़ रहा है कि हम नहीं मनाएंगे क्योंकि हमें जान का खतरा है। ऐसा ही हिंदू धर्म के साथ भी है। दुर्गा पूजा के समय में जिस तरीके से समस्याएं खड़ी हुई है, जजिया कर या बहुत सारे टैक्स वैक्स की बात हो रही है, कई जगह कथित तौर पर धमकियां दी जा रही हैं, इसी को लेकर अमेरिका से सीधे सीधे सवाल किया एक पत्रकार ने। हालांकि ये सवाल कब किया गया, मैथ्यू मिलर जो कि आते हैं स्टेटमेंट देने के लिए उनसे सवाल किया गया। एक पत्रकार ने पूछा कि देखिए जी बांग्लादेश में जो अल्पसंख्यक हैं, हिंदू समुदाय हैं, उनके साथ क्या हो रहा है, इसको लेकर जरा ध्यान दीजिए। तो इस पर मैथ्यू मिलर ने कहा कि हाँ हमने बात करी है बांग्लादेश से, हमने कहा है उनसे कि माइनॉरिटी की सुरक्षा होनी चाहिए। हालांकि एक बड़ा ही अजीब सा मोमेंट भी आया, स्क्रीन पर इस वीडियो को देखिए। ये कह रहे थे यूनुस वहाँ के प्रधानमंत्री हैं, जबकि पत्रकार ने करेक्ट किया कि नहीं जी वो चीफ एडवाइजर हैं, प्रधानमंत्री नहीं है। जो भी है, पर ये तो कुछ ऐसी बात हुई जैसे अमेरिका के मुंह में हाथ डालकर बुलवाया जा रहा है। जब पीएम मोदी और बाइडेन के बीच बातचीत हुई इसके बाद पहले भी फोन कॉल पर बहुत सारी चीजें बांग्लादेश के संबंध में भारत के द्वारा कही गई, तो भी उन्होंने इस मुद्दे को लेकर कभी भी ज्वाइंट स्टेटमेंट में नहीं दिखलाया। पर अब जाकर माइलर को ये कहना पड़ रहा है। पर इस बीच अब इन्होंने इजराइल के लिए विरोध प्रदर्शन निकालना शुरू कर दिया है कि लेबनान और गाजा में जो इजराइल कर रहा है इस आधार पर इन्हें यूएन से निकाल कर बाहर फेंक देना चाहिए। वैसे अब देखना होगा आगे क्या क्या होता है इस देश में। मालदीव भी शुरू ऐसा ही कुछ कर रहा था। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आप क्या राय है कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।